चुड़ैल गरीब स्टूडेंट की भूतिया पेंटिंग। खुशबू पढ़ाई में होशियार थी, साथ ही उसे पेंटिंग करने का बहुत शौक था। वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाया करती थी। इतना ही नहीं, वो हर साल ड्राइंग कंपटीशन की विनर रहती थी। एक दिन खुशबू की क्लास में नई ड्राइंग टीचर आई, जिसका नाम था दीपाली। दीपाली बहुत ही घमंडी और गुस्सैल स्वभाव की थी। वो अमीर और गरीब बच्चों में बहुत भेदभाव किया करती थी। एक दिन दीपाली ने सभी बच्चों से कहा, सभी बच्चे अपने ड्राइंग बुक निकाल कर फ्लावर पॉट बनाओ। खुशबू सबसे पहले ड्राइंग पूरी करके अपनी ड्राइंग बुक लेकर दीपाली के पास गई और खुश होते हुए बोली, टीचर जी देखिए मैंने फ्लावर पॉट बना लिया। व्हाट, इतनी जल्दी तुमने इतनी मुश्किल ड्राइंग कैसे बना ली? सच बता लड़की, कार्बन से छापा है ना तूने? नहीं टीचर जी, मैंने ये ड्राइंग अपने हाथों से बनाया है, मैं सच बोल रही हूँ। मैं तो जैसी गरीब स्टूडेंट को अच्छे से जानती हूँ, झूठी मक्कार शाबाशी पाने के लिए झूठ बोलती है। रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। इतना कहकर गुस्सैल दीपाली कटीली छड़ी से खुशबू के हाथों में मारने लगी, जिस वजह से उसके हाथों से खून बहने लगा। तभी क्लास में बैठा एक अमीर स्टूडेंट रोहित बोला, मैडम ये लड़की एक नंबर की झूठी है, इसे ड्राइंग करना नहीं आता, ये तो कार्बन से छाप कर ड्राइंग बनाती है। मैंने खुद इसे कई बार कार्बन से छापते हुए देखा है। अब जब भी क्लास में ड्राइंग पीरियड होता, ड्राइंग टीचर दीपाली हमेशा बेचारी खुशबू का तिरस्कार करती। एक दिन खुशबू ने ड्राइंग टीचर दीपाली से तंग आकर उसकी कंप्लेंट प्रिंसिपल सर से कर दी। जब ये बात दीपाली को पता चली तो वो बौखलाई हुई खुशबू के पास आई और बाल पकड़ते हुए बोली, तेरी इतनी हिम्मत लड़की, तूने मेरी चुगली प्रिंसिपल सर से की, इसकी तुझे भारी कीमत चुकानी होगी। दो दिन बाद स्कूल में हर साल होने वाली पेंटिंग कॉम्पिटिशन का आयोजन हुआ, जिसकी मेन जज दीपाली थी। खुशबू ने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई थी, लेकिन दीपाली ने जानबूझकर खुशबू की पेंटिंग डिस्क्वालीफाई कर रोहित को विनर घोषित किया। हर बार पेंटिंग कंपटीशन में विनर रहने वाली खुशबू को इस बात का बहुत दुख हुआ। तभी रोहित हंसते हुए बोला, विनर तो मुझे ही बनना था, तेरी पेंटिंग तेरी शक्ल की तरह घटिया है। दीपाली मैडम ने मुझे विनर बनाकर सही किया, आखिर वो हमारे स्टेटस की है। पर मैंने पेंटिंग बहुत अच्छी बनाई थी, तूने मेरी चुगली प्रिंसिपल सर से की थी ना। अब तू कभी ड्राइंग कंपटीशन नहीं जीत पाएगी, मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। और तुम रोहित, 10 मिनट बाद मुझे स्टाफ रूम में आकर मिलो, कुछ बात करनी है। इतना कहकर दीपाली स्टाफ रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद रोहित स्टाफ रूम में गया। टीचर आपने मुझे बुलाया? हाँ रोहित आओ, मैंने तुम्हें विनर बनाया है, उसके बदले तुम्हें मुझे कल 5,000 रुपए लाकर देने होंगे। पर मैडम जी 5,000 रुपए ज्यादा नहीं है। तुम्हें अच्छी तरह पता है तुम्हें ड्राइंग का डी भी बनाना नहीं आता, फिर भी मैंने तुम्हें कंपटीशन का विनर बनाया। वैसे भी तुम इतने अमीर हो, 5,000 तुम्हारे लिए ज्यादा नहीं है। उन दोनों की बात स्टाफ रूम के बाहर खड़ी खुशबू ने सुन ली। मैं ड्राइंग टीचर दीपाली और रोहित की सारी बातें प्रिंसिपल सर को बता दूंगी। तभी टीचर दीपाली ने खुशबू को स्टाफ रूम के बाहर खड़े हुए देख लिया। लगता है उस लड़की ने हमारी सारी बात सुन ली है, उसका कुछ करना पड़ेगा। खुशबू रुको, मेरी बात सुनो। लेकिन खुशबू नहीं रुकी और बदहवास सी प्रिंसिपल रूम की तरफ जाने लगी। दीपाली ने दौड़कर खुशबू का हाथ पकड़ा और उसे स्कूल की टेरेस पर ले गई। टीचर छोड़ मेरा हाथ। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? तेरी वजह से आज मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती थी, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इतना कहकर टीचर दीपाली ने खुशबू को जोर से धक्का दिया और खुशबू की स्कूल की छत से नीचे गिरने से मौत हो गई। सब यही समझेंगे, इसने पेंटिंग कंपटीशन में हार कर अपनी जान ले ली। इस घटना के 1 साल बाद। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों, जल्दी से सब अपने ड्राइंग बुक निकालो, आज तुम्हारा ड्राइंग का पीरियड है। सभी बच्चे अपने अपने ड्राइंग बुक निकालकर एक लाइन में ड्राइंग टीचर मेघना के पीछे पीछे ड्राइंग रूम चले गए। तभी रोहित अपने दोस्त चिंटू के साथ क्लास रूम में वापस आया। अरे क्लास के सभी बच्चे कहाँ चले गए, कहीं स्कूल की छुट्टी तो नहीं हो गई? तुम कितने भुलक्कड़ हो, आज हमारी ड्राइंग की क्लास है, सभी ड्राइंग रूम में गए होंगे। अचानक दोनों की नजर लास्ट बेंच पर बैठी एक लड़की पर गई, जो ड्राइंग बुक पर पेंटिंग बना रही थी। तभी रोहित उसके पास गया और बोला, तुम न्यू एडमिशन हो क्या, तुम्हारा नाम क्या है?
लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती और अपनी पेंटिंग बनाने में बिजी थी। तभी रोहित उसके पेंटिंग छीन कर बोला, तुम बहरी हो क्या? मैं कब से तुमसे पूछ रहा हूँ और तुम हो कि अपनी पेंटिंग करने में लगी हो। मेरी पेंटिंग बुक मुझे वापस कर दो। ये कहते हुए लड़की चुड़ैल में बदल गई और गुस्से से बोली, मेरी पेंटिंग बुक को छूने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे अरे चिंटू, इसकी तो आंखें एकदम लाल है। ये तो चुड़ैल है रोहित, भाग यहाँ से वरना ये चुड़ैल हमें मार डालेगी। दोनों तेजी से क्लासरूम से बाहर भागने लगे। तभी चुड़ैल लड़की उनके सामने आकर खड़ी हो गई। मैं तुझे यहाँ से जिंदा बचकर भागने नहीं दूंगी। चिंटू, ये चुड़ैल तो दरवाजे पे ही जम गई। तभी चुड़ैल रोहित के हाथों से अपनी पेंटिंग बुक छीनकर उसे मार कर बोली, मैं इसके खून में अपनी पेंटिंग ब्रश डुबोकर पेंटिंग बनाऊंगी। उसके बाद चुड़ैल आखिरी बेंच पर बैठकर रोहित की लाश की पेंटिंग बनाने लगी। तभी मौका देखकर रोहित का दोस्त चिंटू वहां से भाग खड़ा हुआ। वो तेजी से भागता हुआ क्लास टीचर मेघना के पास गया। टीचर जी, टीचर जी। अरे चिंटू, तुम इतने हाफ क्यों रहे हो और तुम डरे हुए भी लग रहे हो, क्या बात है? टीचर जी, चुड़ैल ने रोहित को मार डाला, अब वो हम सबको भी मार डालेगी। ये कहते हुए चिंटू बेहोश हो गया। तभी क्लास टीचर मेघना क्लास रूम में पहुंची तो देखा रोहित की लाश खून से सनी हुई जमीन पर पड़ी थी। फौरन पुलिस को बुलाया गया, लेकिन छानबीन करने पर रोहित की मौत का कारण पता नहीं चल पाया। वहीं चिंटू की बात पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। कुछ दिनों के अंतराल के बाद ड्राइंग का पीरियड आया। तभी क्लास में चुड़ैल स्टूडेंट का रूप लेकर क्लास के आखिरी बेंच पर ड्राइंग बुक लेकर बैठ गई। इतने में क्लास टीचर मेघना उसके पास आई और बोली, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें इस क्लास में पहले कभी नहीं देखा। तुम कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो? जवाब क्यों नहीं दे रही? चलो जल्दी से हाथों पर करके खड़ी हो जाओ। चुड़ैल स्टूडेंट गुस्से से लाल होकर अपने ड्राइंग बुक पर टीचर मेघना की पेंटिंग बनाने लगी। फिर लाल कलर के रंग से पेंटिंग पर क्रॉस का चिन्ह बनाया। तभी टीचर मेघना अपना सिर पकड़कर जमीन पर गिरकर कराहते हुए बोली, आह आह, ये क्या हो रहा है मुझे, आह। टीचर मेघना को इस तरह तड़पते हुए देख चुड़ैल स्टूडेंट बोली, मुझे डांट रही थी ना, अब मजा चख। ये कहते हुए चुड़ैल ने पेंटिंग को लाल रंग से भर दिया, जिस वजह से मेघना टीचर के शरीर से खून बहने लगा और वो मदद के लिए पुकारने लगी। सभी बच्चे क्लास टीचर के साथ हो रहे भयानक मंजर को देख बुरी तरह डर गए। लेकिन चुड़ैल के बगल में बैठी रुचिका की नज़र चुड़ैल की पेंटिंग पर पड़ गई। फिर वो मन ही मन बोली, इस लड़की की पेंटिंग में जो टीचर की सूरत है और जो कुछ ये पेंटिंग में टीचर जी के साथ कर रही है, वही हकीकत में टीचर जी के साथ हो रहा है। मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। रुचिका होशियारी से क्लास रूम से निकल कर प्रिंसिपल रूम की तरफ भागी। तभी चुड़ैल स्टूडेंट ने उसे जाते हुए देख लिया। फिर उसने उस रुचिका की पेंटिंग बनानी शुरू की। वहीं दूसरी ओर रुचिका प्रिंसिपल रूम में पहुंचकर प्रिंसिपल सर से बोली, प्रिंसिपल सर, जल्दी से मेरे साथ चलिए, मेघना मैडम की जान खतरे में है। कैसा खतरा? साफ साफ बताओ, आखिर हुआ क्या है? एक अनजान स्टूडेंट हमारी क्लास में आकर पेंटिंग बनाकर मेघना मैडम को मारना चाहती है, आप मेरे साथ जल्दी चलिए। वहीं दूसरी ओर स्टूडेंट चुड़ैल ने रुचिका की पेंटिंग पूरी कर उस पर अनगिनत क्रॉस के निशान बनाए। इतना करते ही रुचिका की गर्दन प्रिंसिपल सर की आंखों के सामने धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर गई और वह तड़प तड़प कर मर गई। तभी अचानक चारों तरफ धुआं उठा और चुड़ैल प्रिंसिपल सर के सामने आकर खड़ी हो गई। कौन हो तुम? सर, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं खुशबू हूँ। खुशबू, पर तुम चुड़ैल कैसे बन गई और तुम टीचर और बच्चों को नुकसान क्यों पहुँचा रही हो? चुड़ैल बनी खुशबू प्रिंसिपल सर को सारी सच्चाई बताते हुए बोली, मुझे मारा गया है, मैं अपनी मौत का बदला लेकर रहूंगी। दीपाली टीचर कहाँ है? मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ। दीपाली मैडम तो कुछ दिनों से छुट्टियों पर गई है, अगले हफ्ते आने वाली है, लेकिन तुम यहाँ से चली जाओ। स्कूल के बाकी टीचर्स और बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, उन्हें नुकसान क्यों पहुँचा रही हो? मैं कानून की मदद से दीपाली को सजा दिलाऊंगा। नहीं, मैं स्कूल से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मैं अपने हाथों से अपने कातिल को मार नहीं देती, तभी मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी।
और जब दीपाली छुट्टियां बिताकर स्कूल वापस लौटी तो उसे क्लासरूम में आखिरी बेंच पर बैठी पेंटिंग बना रही खुशबू दिखाई दी। उसके अलावा बाकी बच्चे क्लास में एक भी नहीं थे। तुम कौन हो और बाकी बच्चे कहाँ गए? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? आखिर तुम आ ही गई, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। कौन हो तुम? मैं वही गरीब स्टूडेंट हूँ जिसे तूने छत से धक्का देकर मार दिया था, और अब मरने की बारी तेरी है। ये कहते हुए चुड़ैल ने ड्राइंग बुक पर दीपाली की पेंटिंग बनाई और उस पर कई सारे क्रॉस की लकीरें खींचने लगी। देखते ही देखते दीपाली का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया और वह तड़प तड़प कर मर गई। फिर चुड़ैल स्टूडेंट अपनी पेंटिंग बुक लेकर वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो गई। मीना सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही थी, तभी उसकी छोटी बहन रिंकी रोते हुए स्कूल से आती है, जिसे देखकर मीना घबरा जाती है। क्या हुआ रिंकी, तू ठीक तो है ना? और तू इतनी जल्दी स्कूल से क्यों आ गई? सब ठीक है ना? दीदी कुछ भी ठीक नहीं है, मास्टर जी ने मुझे धक्के मारकर क्लास से निकाल दिया और कहा कि जब तक मैं अपनी स्कूल की फीस जमा नहीं कराऊंगी तब तक वो मुझे स्कूल में कदम भी नहीं रखने देंगे। तू उदास मत हो मेरी बहन, कुछ ग्राहकों के पैसे बाकी हैं, मुझे पूरा विश्वास है उससे तेरी फीस जरूर पूरी हो जाएगी। इसके बाद मीना गांव में अपने ग्राहकों के घर जाती है। अरे मनोहर भैया, आपकी बीवी ने दो सूट सिलवाए थे, एक महीना हो गया है, अभी तक उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं और अब वो अपने मायके चली गई हैं। क्या आप मुझे उनके सूट के पैसे दे सकते हैं? मुझे इस वक्त बहुत जरूरत है। देखो मीना, ये सूट बूट का हिसाब तुम हमारी महरिया से ही रखा करो, हमें इसके बीच में ना लाया करो। मीना उदास होकर दूसरे घर चली जाती है। चाची नमस्ते। चाची इस वक्त मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, आप मुझे कुछ पैसे दे सकती हैं क्या? बदले में मैं आपके कपड़े सिल दूंगी। अभी मुझे जल्द से जल्द रिंकी के स्कूल की फीस भरनी है। देख मीना, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, जो तूने कहा और मैं तुझे तोड़ कर दे दूं। और वैसे भी तुम लोग अनाथ हो, एक न एक दिन तो ये अमीरों वाले स्कूल छोड़ना ही था। मैं तो अभी भी कहती हूँ रिंकी को गांव के सरकारी स्कूल में डाल दे, इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है। मीना बाकी ग्राहकों के घर भी जाती है लेकिन सभी उसे आला डाला करके वापस भेज देते हैं। बेचारी मीना उदास होकर गांव के पास वाली नदी के पास चली जाती है। तुम्हें पता है प्यारी नदी, आज मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, फिर भी किसी ने मेरी मदद नहीं की। तुम तो एक नदी हो, फिर भी बिना स्वार्थ के अपने अंदर रहने वाले जीवों की मदद करती हो, बल्कि धरती पर रहने वाले जीवों की भी मदद करती हो, लेकिन ये मनुष्य बड़े स्वार्थी होते हैं। जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तो तुम्हारा ये शांत बहता हुआ पानी मेरा मन भी शांत कर देता है। मीना अक्सर ही दुखी होने पर गांव के पास वाली नदी पर चली जाया करती थी और अपना मन हल्का कर लिया करती थी। उस दिन भी वो वैसा ही करती है और फिर शाम को घर लौटकर रिंकी से कहती है, रिंकी मैं तेरी फीस के पैसे इकट्ठे नहीं कर पाई मेरी बहन, पर तू चिंता मत कर, तेरी पढ़ाई अधूरी नहीं रहेगी, मैं तुझे गांव के सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलवा देती हूँ, मुझे माफ कर दे मेरी बहन। दीदी आप माफ़ी मत मांगिए, मैं जानती हूँ आप बहुत मेहनत करती हैं और आपने मम्मी पापा के जाने के बाद मेरे लिए इतना कुछ किया है, मेरे लिए वही काफ़ी है। और स्कूल चाहे जैसा भी हो, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँगी। दोनों बहनें आपस में गले लग जाती हैं। धीरे धीरे समय बीतता रहता है और दोनों ही बहनें बड़ी हो जाती हैं। अब रिंकी भी मीना के साथ ही सिलाई के कामों में मदद कराने लगती है, परंतु दो अकेली बहनें जिनके सर पर किसी का साया ना हो, उन्हें देखकर तो लोगों का मुंह खुल ही जाता है। अरे देख रही हो शोभा बहन, शाम ढलने के बाद बाजार जा रही है। अरे सरिता बहन, क्या पता बाजार जा रही है या कहाँ जा रही है, रात के अंधेरे में कहाँ ही पता चलता है। वैसे भी सर पर किसी का साया नहीं, आगे पीछे कोई रोक टोक है नहीं, हर तरह की आज़ादी है इन्हें। हाँ सही बात है, कहीं भी जाकर मुंह काला करे किसे पता चल रहा है। इससे अच्छी तो हमारी लड़कियां हैं, ये तो अभी तक घर पर कुंवारी बैठी हैं। हमारी लड़कियां तो हमें हमारे नाती नतनी भी दे चुकी हैं। मीना और रिंकी सड़क से गुजरते हुए उन दोनों महिलाओं की बातें सुन रही थी और ये कोई पहली बार नहीं था। गांव में बहुत से लोग उन दोनों के बारे में इस तरह से बातें करते थे। इसके बाद अगले दिन मीना फिर उस नदी के पास जाती है। हे प्यारी नदी, ये दुनिया सच में बहुत कठोर है, ये मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करने की बजाय उनका मजाक बनाती है, उनकी हिम्मत तोड़ देती है, सही होने पर भी उन्हें गलत ही ठहराती है।
सच में नदी, ये दुनिया बहुत खराब है, लेकिन अब मैंने भी ठान लिया है, मैं अपनी बहन की शादी अच्छे से करवाऊंगी ताकि सबके मुंह बंद हो जाएं। इसके बाद मीना अपनी बहन रिंकी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढने लगती है, जिसके लिए वो रामू काका के पास जाती है। देखो मीना, तुम लड़की की बड़ी बहन हो और तुम्हारे सर पर कोई साया भी नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत दहेज तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। इसलिए तुम 2 लाख रुपए, 1 तोले की चेन और लड़के के लिए 1 अंगूठी बनवा कर दे देना। बाकी बारात का अच्छे से स्वागत सत्कार कर देना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर ये तो बहुत सारे पैसे हैं, इतना मैं कहाँ से लाऊंगी? अब देखो, शादी कर रही हो तो इतना तो खर्चा आएगा ही। मीना मन में सोचती है, मुझे रिश्ता तो मिल गया, अब जैसे तैसे पैसों का इंतजाम भी हो जाएगा। मैं पैसों के लिए अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, मैं खूब मेहनत करूंगी और कैसे ना कैसे करके पैसे जमा कर ही लूंगी। इसके बाद मीना रिश्ते के लिए हाँ कर देती है, फिर वो शादी का सारा सामान जुटाने लगती है। अगर मैं रिंकी का लहंगा खुद सिल लूं, तो काफी पैसे बच जाएंगे और मुझे रिंकी की पसंद भी पता है, तो लहंगा और भी अच्छा बन जाएगा। इसलिए मीना रिंकी की शादी का लहंगा खुद ही सिलने लगती है। पर किस्मत को ये भी रास नहीं आता, वो जैसे ही रिंकी का लहंगा सिलने लगती है, उसकी सालों पुरानी साथी उसकी सिलाई मशीन उसका साथ छोड़ देती है। ये देखकर मीना बहुत ही उदास हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू मोती बनकर टपकने लगते हैं। वो रोती हुई वापस उस नदी के पास जाती है। हे प्यारी नदी, ये जीवन गरीबों के लिए इतना कठोर क्यों है? जब भी लगता है सब ठीक होने वाला है, तभी सब बेकार हो जाता है। अब मैं और सहन नहीं कर सकती, मुझे अपने अंदर ले लो। मीना नदी के अंदर पांव रखने वाली होती है कि तभी नदी में से एक देवी प्रकट होती है, और देवी के प्रकट होते ही उस नदी में जादुई सैंडल और जादुई लहंगे बहने लगते हैं। ये दृश्य देखकर मीना पूरी तरीके से हक्की बकी रह जाती है। ये सब क्या है? हैरान मत हो मीना, मैं इस नदी की देवी हूँ। तुम जब भी मुझसे बात करती हो, मैं तुम्हारी हर बात सुनती हूँ। सच कहूँ, तुम्हारे जैसा सच्चा दिल मैंने आज तक नहीं देखा, इसलिए आज मैं तुम्हारी मदद करने के लिए स्वयं प्रकट हो गई। और जिस नदी से तुम रोज बातें करती हो, वो कोई आम नदी नहीं है, बल्कि मायावी नदी है। इस नदी में जादुई लहंगे और सैंडल बहते हैं, पर ये केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देते हैं जिन्हें मैं चाहती हूँ। इसलिए अब ये तुम्हें भी दिखाई दे रहे हैं, और अभी तुम्हारी मदद भी करेंगी। तुम इसमें से 2 लहंगे और 2 सैंडल निकाल दो, एक तुम्हारी बहन के लिए और एक तुम्हारे लिए। पर मैं इस लहंगे और सैंडल का करूंगी क्या? इस लहंगे और सैंडल को मामूली मत समझो मीना, ये इस मायावी नदी की तरह मायावी है। ये जादुई लहंगा तुम्हें हर प्रकार के धन दौलत देगा, और ये जादुई सैंडल तुमसे मुसीबतों को कोसों दूर रखेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नदी देवी। इसके बाद मीना उस लहंगे और सैंडल को लेकर अपनी बहन के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। दीदी, अगर ये सच में सच है तो अब हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। हाँ, अब मैं अपनी बहन की शादी बड़े ही धूमधाम से करूँगी। नहीं दीदी, बड़ी आप हैं, पहले आपकी शादी होगी। नहीं, अब हम दोनों की शादी एक साथ होगी। इसके बाद उन लहंगों को ट्राई करने के लिए दोनों बहनें उन लहंगों से धन दौलत मांग कर देखती हैं, और वो लहंगे सच में उन दोनों बहनों को बहुत सारी धन दौलत दे देते हैं, जिससे वो दोनों बहनें अपनी झोपड़ी की जगह एक अच्छा मकान बनवा लेती हैं। उस सैंडल के जोड़े को पहनते ही दोनों बहनों की आधी से ज्यादा मुसीबतें खत्म हो जाती हैं, लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं। अब दोनों बहनों के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगते हैं, और फिर एक ही परिवार के 2 लड़कों से उन दोनों बहनों का रिश्ता तय हो जाता है। शादी वाले दिन वो दोनों बहनें एक लहंगा और एक सैंडल पहनकर एक दूसरे के सामने खड़ी होती हैं। दीदी, आप तो बहुत ही सुंदर लग रही हो, मानो किसी चांद के टुकड़े को श्रृंगार से सजा दिया गया हो। मेरी बहन, तू भी आज बहुत सुंदर लग रही है, आज तो शादी में लाइटों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारी रोशनी तो तू ही बिखेर रही है। दोनों बहनें आपस में गले लगकर एक दूसरे को बहुत प्यार करती हैं, और फिर शादी के मंडप में आ जाती हैं। शादी की तैयारियां बहुत ही सुंदर तरीके से हुई थी, पूरा गांव उन दोनों बहनों की शादी की तैयारियां देखकर हैरान था। फिर बड़े ही धूमधाम से उन दोनों बहनों की शादी हो जाती है, और वो दोनों बहनें एक साथ एक घर में चली जाती हैं।
कुछ समय बाद उनके पतियों का काम धंधा ठीक ना चलने पर वो फिर से उस लहंगे और सैंडल से मदद मांगती हैं, और वो लहंगा और सैंडल सच में इस बार भी उन दोनों की मदद करता है, जिसके लिए वो उस मायावी नदी और उन दोनों लहंगे और सैंडल का धन्यवाद करती हैं। मीना अपने जैसे और भी लोगों की उस लहंगे और सैंडल से मदद करने लगती है और आगे का जीवन हंसी खुशी बिताने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सोका टीवी को अभी सब्सक्राइब करें।